बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर हम स्पीक चैनल के साथ एक और वीडियो का लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज करें, तमाम स्टूडेंट्स से और नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि बेल को क्लिक करने के बाद ऑल को लाजमी प्रेस करें ताकि तमाम के तमाम नोटिफिकेशन आपकी ई मेल आई डी पर पहुँच सके और आप इन तमाम लेक्चर्स या वीडियो से जो आने वाले दिनों में भी अपलोड होंगी आप मुस्तफ़ीद हो सके। तो हम जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ब्लॉगिंग कोर्स का आगाज़ किया हो, प्लेलिस्ट में जाकर ब्लॉगिंग कोर्स को क्लिक करने के बाद आप इन तमाम को ज्वाइन करने के बाद अपनी लाइफ को सीखने के बाद अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ने लिखे जानते हैं तो इन तमाम चीज़ों को अडॉप्ट करके आप अर्निंग का जरिया बन सकते हैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। वीडियो को आज की वीडियो ये है कि हमने जो ऑलरेडी जो ब्लॉग बनाया है उसमें जो जितने भी पोस्ट आपने लिखी हैं, ये दो तीन पोस्टेज हैं, एक ड्राफ्ट में और दो ऑलरेडी है, तो इनका हमने साइट मैप जनरेट करना है। साइट मैप जनरेट करने के लिए और उसके बाद में हमने उसकी प्रॉपर्टी और साइट मैप को सबमिट करेंगे गूगल सर्च कंसोल में ताकि आपके तमाम की तमाम जो चीज़ें यहाँ पर अपलोड होगी वो इंडेक्स हो सके। तो साइट मैप के लिए हम चलेंगे गूगल के गूगल पर लेंगे साइट मैप जनरेटर फॉर ब्लॉगर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस साइड पे। इस साइड पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे अपने ब्लॉग पे। यहाँ पे आपने डोमेन कॉपी करनी है और आने के बाद आप यहाँ पे यूआरएल इस वेबसाइट पे जो साइट में जनरेटर है उसको क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस होगा, तो आपने ये हटा देना है और इसकी जगह पे अपना जो साइट में जिस वेबसाइट का करना है उसका लिंक यहाँ पे क्लिक करना है। साइट मैप जनरेटर पे क्लिक कर देंगे, थोड़े प्रोसेसिंग के बाद ये आपका साइट मैप जनरेट कर देगा और आपने इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट में जाके अपने ब्लॉग पे जाके इस चीज़ को वहाँ पे हमने इसको पेस्ट करना है जाके। तो डियर स्टूडेंट, ऊपर वाली दो लाइनें छोड़ के आपने यूजर से लेके नीचे तक, या आप ऊपर वाले भी आप कॉपी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आप इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे अपने ब्लॉग पे। ये मेरा ब्लॉग मैंने पर सेटिंग क्लिक करेंगे। सेटिंग क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे कस्टमर टेक्स्ट पे, तो इसको क्लिक करेंगे और हो सकता है कि आपके केस में ये चीज़ ऑफ हो, आप इसको ऑन कीजिएगा और इसको आप फिर करने के बाद इसको क्लिक करेंगे थोड़े प्रोसेसिंग के बाद ये, तो वहाँ से पेस्ट करने के बाद आपने सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे इसको करेंगे हम सेलेक्ट, इसको करेंगे डिलीट और जो वहाँ से कॉपी पेस्ट किया हम करेंगे इसको सेव। ये आपका साइट मैप हमने यहाँ पे पेस्ट करके सेविंग पे क्लिक कर दिया और ये थोड़ी देर के बाद ये सेव हो जाएगा। इसके बाद ये स्टूडेंट हमने आ जाना है गूगल सर्च कंसोल पे। इसको क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा गूगल सर्च करो। गूगल पे जाके गूगल सर्च कंसोल क्लिक करेंगे तो ये चीज आएगी, इसको क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमने यहाँ से अपना जो है ना वो डोमेन आईडी की कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद इसको करेंगे कॉपी और गूगल सर्च कंसोल में आने के बाद यहाँ पे इसको पे करेंगे और ये कंटिन्यू कर देंगे। चेकिंग वेरिफिकेशन, ये आपके डियर स्टूडेंट आपकी जो डोमेन प्रॉपर्टी है, जो आपकी वेबसाइट की प्रॉपर्टी है, हम उसको एंटरटेन कर रहे हैं ताकि आपकी जो रियलिटी है वो शो कर सके कि गूगल सर्च कंसोल या गूगल में आपकी जो भी चीज़ें पब्लिश होंगी उसकी ओनरशिप किसकी है वो वेरीफाई करने के बाद ये सारी की सारी ये चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। ये लिखा हुआ ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड कि आपका जो ब्लॉग अपना है। हम जाएंगे, अगर आप किसी और ईमेल से कर रहे होंगे तो आपको कॉपी पेस्ट करने के बाद ब्लॉग में आना पड़ेगा। अगर नहीं है तो मेरे केस में मैं उसी ईमेल पे मैं कर रहा हूँ, तो गुड प्रॉपर्टी पे जाएंगे और थोड़ी देर के बाद ये आपको गूगल सर्च कंसोल पे ले जाएगा ताकि आप ये प्रोसेसिंग कर रहे और आप इसी चीज़ के बाद जो है ना आपका ब्लॉग या आपकी वेबसाइट
जो है ना वो गूगल में इंटर हो जाएगी, और आपकी जो भी पब्लिकेशन आपके या ब्लॉग पे होंगी, आपके वेबसाइट पे जो होंगी, जो भी आपके पोस्ट वहाँ पे अवेलेबल होंगी, वो यहाँ पे आपको शो होगी गूगल सर्च कंसोल में। और यहाँ पे हमने अभी अपना साइट मैप जो है ना वो सबमिट करना है। ये आपके सामने ये आपकी प्रॉपर्टी आ गई फैशन 541 जो हमने ब्लॉग बनाया था। तो हमने चूंकि दो तीन पोस्ट बनाई हुई है डियर स्टूडेंट, तो हमने उसका साइट मैप यहाँ पे अभी सबमिट करना है। साइट मैप सबमिट करने के लिए हम जो है ना ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। जब से सेट हो जाएगा तो हमने ये आपकी सारी की सारी जो एनालिटिकल चीजें होंगी या आपकी वेबसाइट पे जो भी चीजें अवेलेबल होंगी उसकी परफॉर्मेंस हो, यूर इंस्पेक्शन आप करेंगे आपके पेजेस जितने भी होंगे, तो यहाँ पे हमने साइट मैप करना है। साइट मैप को क्लिक करेंगे, साइट मैप को क्लिक करने के बाद ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग टाइम लेगा, और ये मेरे केस में ऐसा है कि मेरे पास जो इंटरनेट की स्पीड है उसके अकॉर्डिंगली, अगर आप देख लीजिएगा आपके पास वाईफाई है या आप कौन सा कनेक्शन यूज करें उसके अकॉर्डिंगली आपकी स्पीड, ये आपका गूगल सर्च कंसोल का साइट मैप के सबमिशन के लिए, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। आप देखें कोई भी यहाँ पे यूआरएल नहीं है, आपने जो भी ब्लॉग पोस्ट जो दो लिखी हुई थी ये वाली, तो हमने इन चीजों को वहां पे शो करना है। और इसका साइट मैप के लिए हमने यहाँ पे लिखना है साइट मैप डॉट एक्स एम एल। जब हम ये चीज लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको सबमिट करेंगे, और ये ठीक डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड और थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद आपका साइट मैप सबमिट हो जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी भी ऐड होगी गूगल सर्च कंसोल में और आपका साइट मैप भी सबमिट हो जाएगा। और आप इसके बाद अपने जितने भी ब्लॉग पोस्ट होंगी, जितने भी ब्लॉग पोस्ट आप अपलोड करेंगे या लिखेंगे वहां पे ऑटोमेटिकली ये साइट मैप सबमिट होता रहेगा, और ये ऑटोमेटिकली ये पिक होता रहेगा क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी ऐड होगी, उसके बाद आपका साइट मैप सबमिट हो गया, तो आप ऑटोमेटिकली इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो कुछ वहां पे अपलोड करेंगे, जो भी पब्लिश करेंगे वो ऑटोमेटिकली ये एंटरटेन कर लेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि आपका जो सबमिट हो जाएगा ये सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, और यहाँ पे सक्सेस साइट मैप पर ग्रीन सिग्नल शो हो जाएगा और आपकी साइट सबमिट हो जाएगी। तो ये आपके सामने साइट सबमिट है सक्सेसफुली, और गॉट इट का हम क्लिक करेंगे। और ये देखें डियर स्टूडेंट, आपके सामने ये सक्सेस हो गया, हमने दो पोस्ट लिखी थी और ये ऑटोमेटिकली आपका ये साइन चला जाएगा। तो आपने दो पोस्ट लिखी थी, ये दो पड़ी हुई हैं, एक थी हमारी जो पोस्ट है वो उसमें है अभी ड्रॉप में है, उसमें अभी काम कर रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद उसको भी हम जब पब्लिश कर देंगे तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये आपके सामने सक्सेस लिखा आ रहा है, ये आपका मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये आपके सामने साइट मैप सबमिट हो गया, डेटा आ गई कि आपने किस वक्त साइट मैप सबमिट किया। साइट मैप इस तरह आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी, आपकी जो डोमेन है वो भी, एड प्रॉपर्टी ये भी आपके सामने शो हो रही है कि आपका ये ब्लॉग है या आपकी अपनी वेबसाइट है, और आपने जितनी अभी तक पोस्ट अपलोड की हैं, पब्लिश की हैं, वो दो हैं, और दोनों के दोनों यूआरएल डिस्कवर इसने कर दिए, ये सक्सेस हो गया। तो ये थी डियर स्टूडेंट आज की वीडियो, और जाने से पहले आपसे यही गुजारिश है अभी की अभी जो जिन्होंने ज्वाइन किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आपकी ईमेल आईडी पे मिल सके। हमें दीजिए इजाजत, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।